जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की लंबी कतार। पुलवामा के नायरा में सुबह से मतदाताओं में दिखने लगा उत्साह। वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ पर लगी कतार। टोडा में मतदाताओं में गजब का उत्साह। मतदान शुरू होते ही घरों से निकले लोग। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान। इस फेज में 90 निर्दलीय समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 23,27,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की आवाम 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए कर रही है मतदान। 2014 में आखिरी बार हुआ था विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने की पूजा। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता चाचा की आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या। शगुन परिहार ने अपनी जीत का किया दावा। कहा लोगों से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद, बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला। कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, आतंकियों से रखते हैं हमदर्दी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं। पहले यहाँ पर आईएसआईएस के झंडे लगते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर कसा तंज। कहा हमारे अलावा सभी टीम है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, मुझे उम्मीद है कि लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में पानी की किल्लत, लोगों की मांग, जीने के लिए साफ पानी चाहिए, नेताओं का आश्वासन नहीं। आप विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व अरविंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। केजरीवाल को मिली है जेड प्लस सुरक्षा। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। डॉक्टरों ने एक बार फिर सीएम ममता से मिलने की मांग की। चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने का समय मांगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर भी पहुंची। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बलिया, बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार। प्रशासन कर रहा लोगों की हर संभव मदद। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट कर शाम के इलाकों में हुई थी तेज बारिश। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। करीब 100 से अधिक घर डूबे, लोगों ने स्कूल में ली शरण। मुंबई से सटे मंडी में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव, दो गुटों में झड़प। पुलिस ने कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। कुंवरनगर से मंडल गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने किया पथराव। हिंदुस्तानी मस्जिद के पास कुछ लड़कों पर पथराव का आरोप। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश आमिर के पैर में मारी गोली और किया गिरफ्तार। 22,000 कैश, अवैध हथियार और बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का किया था प्रयास। बाइक के नहीं रोकने पर भाग रहे बदमाश का पुलिस के साथ एनकाउंटर। सेक्टर 39 में आमिर पर कई गंभीर धाराओं में केस। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान हुई विशाल और ताशु की मौत, दोनों की उम्र 24 और 20 साल। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। लोगों के कोशिशों के बावजूद दोनों को नहीं बचाया जा सका। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प। डांस के दौरान हुई झगड़े में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। युवराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा।